नमस्कार बच्चों वेलकम टू द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यस, दिस इज एन इंग्लिश क्लास इंग्लिश क्लास ऑफ क्लास फोर्थ डर लग रहा है एग्जैक्टली exactly. इंग्लिश सुनते ही डर लगता है इट्स साउंड सो डिफ़िकल्ट डिफिकल्ट मतलब मुश्किल बहुत मुश्किल लगता है ना लेट्स मेक इट वेरी सिंपल एंड ईजी बिल्कुल ईजी सा एक वर्ड और ईजी सी एक बात ईजी मतलब बिल्कुल आसान सो द वेरी ईजी वर्ड विच यू ऑल नो इज लव सबको पता है ना लव मीन्स प्यार सो अगर मैं पूछूं लव 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 हु डू यू लव 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 लेट्स हैव अ वेरी फनी एंड ईजी गेम बिल्कुल आसान सा एक गेम खेलते हैं लव 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 हु डू यू लव किसको प्यार करते हो इफ यू आस्क मी मुझसे पूछोगे वॉट विल आई से लव 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 आई लव माई माँ लव 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 आई लव माई पापा एंड लव 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 आई लव माई ग्रैंड अब तो गड़बड़ लग रहा होगा माँ समझ में आया पापा समझ में आया बट वॉट इज दिस ग्रैंड माँ सो येस यू हर्ड मी राइट लव 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 हु डू यू लव आई विल से लव 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 आई लव माई ग्रैंड माँ माँ तो माँ ही है ग्रैंड मीन्स वेरी बिग देखो सामने स्क्रीन पर वर्ड लिखा है ना ग्रैंड जी आर ए एन डी जी आर ए एन डी ग्रैंड ग्रैंड मीन्स वेरी बिग बहुत बड़ा तो ग्रैंड मदर माँ से भी बड़ी कौन होती हैं दादी होती हैं नानी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं ग्रैंड मदर वेरी बिग मदर और पापा से भी बड़े कौन होते हैं ग्रैंड फादर ड फादर बड़े फादर फादर के भी फादर सो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर और और क्या बोल सकते हैं उनको छोटा सा इसको बनाते हैं ग्रैंड मा ग्रैंड पा ग्रैंड मदर बोलने में बड़ा लगता है सो लेट्स से विद लव ग्रैंड मा आई लव माई ग्रैंड मा माई मीन्स मेरी आई लव माई ग्रैंड माँ आई लव माई ग्रैंड पा और ये ग्रैंड वर्ड इतना मजेदार है कि जिस चीज में जोड़ दोगे वो बड़ा सा हो जाएगा देखो वर्ड लिखा है ना ग्रैंड होटल बड़ा सा होटल छोटा मोटा नहीं बड़ा होटल ग्रैंड वेलकम शादियों के बोर्ड में लिखा रहता है ना वेलकम अभी मैंने कहा ना वेलकम स्वागत है भव्य स्वागत बहुत बड़ा स्वागत सो ग्रैंड मीन्स वेरी बिग सो अब इंग्लिश थोड़ी आसान लग रही है कितना अच्छा सा गेम हमने शुरू किया लव 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 हु डू यू लव तुम ये अपने क्लास में भी खेल सकते हो यू कैन कीप ऑन आस्किंग जैसे रंग रंग वाला गेम खेलते हैं इंग्लिश में भी खेल सकते हैं लव 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 हु डू यू लव सब कोई अपने अपने जिसको प्यार करते हैं उसका नाम ले सकते हैं मुझसे पूछोगे अगेन आई विल से द सेम थिंग आई लव माई ग्रैंड और यही तुम्हारी मज़ेदार पोएम भी है

बिल्कुल नहीं आना चाहिए बिकॉज इसकी स्पेलिंग देखो एम डबल ई टी मीट ये एम ई ए टी मीट नहीं है मटन नहीं है ये मांस वाला मीट बिल्कुल नहीं है ये कौन सा मीट है एम डबल ई टी मीट मीट मतलब मिलना सो मीट माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ से मिलो आई लव ह शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड अरे शेखर की दादी तो इज हिज बेस्ट फ्रेंड ये उसकी सबसे अच्छी दोस्त हैं So what does Shaker say? Meet my grandmother. I love her. She is my best friend. And we can see his grandmother is sitting on a cot. ये खटिया, इस खटिया और चारपाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Cot. बहुत सिंपल. C O T. Cot. बिल्कुल P O T. Pot की तरह है. P O T. Pot. घड़ा. C O T. Cot. खटिया. So C O T. Cot. Grandmother is sitting on a cot. एंड शी इज अ स्माइलिंग बहुत प्यार से मुस्कुरा रही हैं सो वी ऑल लव आर ग्रैंड माँ हम लोग सबको ही प्यार करते हैं ना वी ऑल लव आर ग्रैंड माँ ग्रैंड पा माँ पापा ब्रदर सिस्टर वी डू लव दैम हम बहुत प्यार करते हैं उनसे सो वॉट इज दिस पोएम ऑल अबाउट लेट सी दोएम ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ब्लू यू कैन सी दिक्चर ऑफ आईज कलर ऑफ दईज आंखों का रंग कैसा है बिल्कुल नीला नीला ब्लू और वो ब्लू कैसा है शाइनिंग बिल्कुल चमकता हुआ शाइनिंग स्टार्स जैसे तारे चमकते हैं तो शेखर क्या बोलता है वट डज यू से शेखर सेन दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आर पोएम यही हमारी पोएम की फर्स्ट लाइन है देखो सामने लिखा हुआ है पढ़ने की कोशिश करो ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ब्लू और इसको मजेदार बनाते हैं ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ब्लू शाइनिंग ब्लू ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ब्लू सो ग्रैंड की आंखें तो नीली हैं। शी हैज शाइनिंग ब्लू आईज हमारी आंखें कैसी हैं गौर करो एक दूसरे की आंखें देखो यस yes, अगर मेरी आंखें होंगी तो आई विल से माय आईज आर शाइनिंग ब्लैक शाइनिंग ब्लैक माय आईज आर शाइनिंग ब्लैक इसलिए सब अपनी दादी की आंखें देख के आएंगे और बताएंगे हमारी दादी की आंखें कैसी हैं मेरी दादी की आंखें आर शाइनिंग ब्राउन शाइनिंग नॉट शाइनिंग ब्लू नॉट शाइनिंग ब्लैक बट माय ग्रैंड मार्ज आइज़ आर शाइनिंग ब्राउन बट इन द पोएम पोएम में क्या है पोएम में जो दादी माँ हैं उनकी आंखें कैसी हैं ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ब्लू शाइनिंग ब्लू ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ब्लू और इस तरह से तो हम किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वेन वी पॉलिश आर शूज जब हम जूते पॉलिश करते हैं तो जूतों का रंग कैसे नजर आता है माई शूज आर शाइनिंग ब्लैक शाइनिंग ब्लैक माई शूज आर शाइनिंग ब्लैक अब अपना नया चमचमाता हुआ बैग देखो यू कैन सी योर बैग इज वेरी क्लीन बहुत साफ है सो so, क्या कह सकते हैं बैग को माई बैग इज शाइनिंग ग्रीन शाइनिंग ग्रीन शाइनिंग ग्रीन शाइनिंग ग्रीन अगर साफ कमीज पहनी है इफ यू आर वेयरिंग अ नीट वाइट क्लीन शर्ट वी कैन ऑल्सो से माई शर्ट इज शाइनिंग वाइट शाइनिंग वाइट माई शर्ट इज शाइनिंग व्हाइट डिटर्जेंट के एड में देखते हैं ना माई शर्ट इज शाइनिंग व्हाइट माई शर्ट इज शाइनिंग रेड माई शर्ट इज शाइनिंग ग्रीन माई फ्रॉक इज शाइनिंग ब्लू सो सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ब्लू शाइनिंग ब्लू ग्रैंड मार्ज आइज आर शाइनिंग ब्लू बस लेकिन इस लाइन में एक बहुत मज़ेदार जादू है देर इज द मैजिक वॉट इज दैट मैजिक लेट्स हैव अ लुक दिस इज द मैजिक ऑफ द लेटर एस ए से जेट तक पढ़ा है ना ये एस लेटर बड़ा कमाल का है स्मॉल एस जहां जुड़ जाता है वेन वी एड एस इट एड्स टू मीनिंग एड का मतलब जोड़ना प्लस तो सबको पता है है ना जैसे जोड़ देते हैं तो चीज बढ़ जाती है वैसे ही एस जब जुड़ जाता है देखो कितने मजेदार से जुड़ जाता है कप सी यू पी कप वन कप एस जुड़ गया बन गया कप्स बहुत सारे कप मोर देन वन कप आई वन आई एस जुड़ गया क्या बन गया मोर देन वन आई स्कूल वन स्कूल एस जुड़ गया बन गया मोर देन वन स्कूल एक से ज्यादा कप कप्स आई आईज स्कूल स्कूल्स बैग बैग्स सो एस हैज अ मैजिक एस का एक मैजिक है जुड़ जाता है एंड इट मेक्स मोर देन वन एक से ज्यादा बना देता है बट इतना ही नहीं है देर इज अनदर मैजिक लुक एट द सेकेंड बॉक्स दूसरा बॉक्स देखो क्या लिखा हुआ है आइज ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ ऑफ का किसकी आंखें ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ फादर पापा की माँ की ऑफ मदर राहुल की ऑफ राहुल अगर हमको कहना हो राहुल का बैग वॉट विल बी से बैग ऑफ राहुल पेन ऑफ रीना पेंसिल ऑफ श्यामू इरेजर ऑफ अली ये सारी चीजें हम कह सकते हैं ऑफ मतलब का ओ एफ ऑफ को एकदम आसानी से और लिख सकते हैं जस्ट एक एस और एस के ऊपर देखो ध्यान से देखो एक छोटा सा कॉमा जैसा बना हुआ है है ना इट्स नॉट कॉमा क्योंकि कॉमा हम कब लगाते हैं नीचे ये कॉमा कहाँ बना हुआ है जस्ट एट द टॉप ऑफ द लेटर एस एस के जस्ट पहले टॉप ऑफ द लेटर टॉप मीन्स ऊपर छोटे से एस के टॉप पॉइंट पर हमने बनाया छोटा सा कॉमा और इस छोटे से कॉमे का नाम क्या है एपोस्ट्रफी ट्रफ़ी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन एकदम आराम से बोलो मेरे साथ अपॉस ट्रफ़ी तो ये कौन सा एस है एक नया एस एपॉस एस एपोस्ट्रफी ट्रफ़ी एस ये जहाँ लग जाता है उस चीज़ को उसका बना देता है जैसे ग्रैंड मदर्स आइज दादी माँ की आंखें ग्रैंड फादर्स आइज दादाजी की आंखें अलीज शर्ट अली का शर्ट रेणुज फ्रॉक रेणु की फ्रॉक टीचर्स बैग टीचर का बैग सो है ना मज़ेदार दिस इज द मैजिक ऑफ एस मैजिक मीन्स जादू जहां भी जुड़ेगा विदाउट ए इट मेक्स मोर देन वन बिना एपोस्ट्रॉफी के अगर एस जुड़ता है तो क्या बना देता है एक से ज्यादा कप कप्स बैग बैग्स पेन पेन्स पेंसिल पेंसिल्स और अगर एपोस्ट्रॉफी के साथ जुड़ गया तो क्या बना देगा उस चीज को उसका बना देगा बिल्कुल श्यामूज़ गिटार टीचर्स टेबल गुरप्रीत पेन है ना किसी का भी सामान किसी का बना देगा फादर्स साइकिल मदर्स किचन दादी माज फूड कुछ भी दादी माज फूड दादी माँ का खाना एपॉस्ट्रॉफी एस का और सिंपल एस मैनी वन आउट ऑफ मैनी बहुत ज़्यादा चीज़ों को बना देता है टीचर टीचर्स अब ये बताओ टीचर टीचर्स यानी एक टीचर नहीं एक से ज्यादा टीचर्स मोर देन वन टीचर सो टीचर टीचर्स लेकिन अब इसमें जादू है अगर इसमें एस है कॉमा वाला एस है टॉप कॉमा एस है एस है तो इसमें क्या बोलते हैं टीचर्स यानी टीचर का टीचर्स साड़ी टीचर्स ग्लासेस टीचर्स बैंगल्स टीचर्स की चूड़ी टीचर्स वॉच टीचर की घड़ी ठीक है सो दिस इज द मैजिक ऑफ एस नाउ लेट्स कम बैक टू द पोयम अब पोयम में देखो फिर कहा हम आ यस ग्रैंड माज आईज आर शाइनिंग ब्लू शाइनिंग ब्लू थ्रू द ग्लासेज ऑन हर नोज देखो तो पिक्चर में साफ दिख रहा है ना ग्लासेज अब तुम बोलोगे पीने वाला पानी का ग्लास तो कहीं दिख नहीं रहा है वट इज दिस ग्लास बिल्कुल चश्मा दादी माँ की आंखों पर जो चश्मा लगा है दैट इज ऑल्सो वी कॉल इन इंग्लिश ग्लास हम उसको ग्लास बोलते हैं सो वॉट डज शेखर से शेखर क्या बोल रहा है शी हैज ग्लासेज ऑन हर नोज ऑन ऑन मतलब ऊपर ऑन हर नोज हिंदी में पढ़ते हैं ना चश्मा नाक पर चढ़ी कान पर चढ़ी कहाँ कहाँ चश्मा चढ़ती है सो आर शाइनिंग ब्लू थ्रू द ग्लासेज ऑन हर नोज देखो मेरे ग्लासेज है ना ग्लासेज मीन्स चश्मा और ये चश्मा कहाँ चढ़ा हुआ है ऑन माई नोज एंड ऑन माई ईयर्स नाक पर चढ़ी कान पर चढ़ी सो ऑन माई नोज ऑन माई ईयर्स हाउ डू आई लुक एट यू मैं कैसे देख रही हूँ तुमको थ्रू द ग्लासेज इन चश्मों से आर पार सो so, शेखर्स दादी माँ शी ऑल्सो हैज़ ग्लासेज ऑन हर नोज अपनी नाकों पर चश्मा है एंड थ्रू द ग्लासेज ऑन हर नोज शी लुक्स एट यू वो तुम्हारी तरफ देख रही हैं एक बार साथ में दो लाइन पढ़ें ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ब्लू शाइनिंग ब्लू ग्रैंड माज आइज़ आर शाइनिंग ब्लू थ्रू द ग्लासेज ऑन हर नोज ऑन हर नोज ऑन हर नोज थ्रू द ग्ला हर नोज मजेदार है ना चलो नेक्स्ट सी व्हाट है उसके बाद क्या हुआ लेट सी दैक्स्ट लाइन यस अब ये तो पूरी दादी माँ नजर आ रही है वी कैन सी द कंप्लीट पिक्चर फुल पिक्चर ऑफ दादी माँ She is smiling, she is laughing, she looks so happy, kitni khush lag rahi And Shekhar is also very happy. And what does he say? Grandma's eyes are shining blue through the glasses on her nose. Grandma has the sweetest smile, sweet, sweet means meetha or kaisa meetha sabse zyada meetha. So she looks very happy. इन द पिक्चर बिल्कुल मुस्कान उनकी जो मुस्कुराहट है कितनी प्यारी लग रही है दैट्स वाई शेखर सेज ग्रैंड मा हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल एंड द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स स्मेल खुशबू बिल्कुल दिस इज वेरी स्ट्रेंज ये बहुत ही अच्छा होता है पर्सन हुम वी लव हम जिसको प्यार करते हैं वी लव एवरी थिंग अबाउट द पर्सन वी लव देयर स्माइल वी लव देयर स्मेल हम उनकी मुस्कुराहट से प्यार करते हैं हम उनकी खुशबू से प्यार करते हैं वी लव देयर स्माइल वी लव देयर स्मेल वी लव देयर आइज वी लव देयर ग्लासेस वी लव देयर नोज वी लव एवरी सब कुछ उनका हर कुछ हमको पसंद आता है इसलिए शेखर क्या बोलता है ग्रैंड मा हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल सबसे मीठी मुस्कान है एंड द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स और बहुत अच्छे कपड़ों की महक आती है उनमें इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रैंड मा इज़ ऑलवेज वियरिंग न्यू साड़ीज़ और न्यू क्लोथ्स बट वेनेवर शेखर हग्स ग्रैंड माँ बिल्कुल जैसे ही शेखर उनसे गले मिलता है उनके कपड़ों की खुशबू शेखर को बहुत पसंद आती है हमें भी पसंद आती है है ना वी ऑल्सो लव द स्मेल ऑफ आवर मदर्स क्लोथ्स माँ के कपड़ों की खुशबू अच्छी लगती है पापा के कपड़ों की खुशबू अच्छी लगती है इन द सेम वे ग्रैंड मार्ज क्लोथ ऑल्सो स्मेल नाइस टू अस हमें बहुत अच्छे में से खुशबू आती है ना अगेन देयर इज वन मोर मैजिक एक मैजिक और है लेट सी वॉट द मैजिक इज दिस इज द मैजिक ऑफ ई एस टी बिल्कुल यू कैन सी द लेटर ई एस टी ये जिसमें जुड़ जाता है वेन एवर इट गेट्स एडेड ऑन इट मेक्स द थिंग द बेस्ट वो उस चीज को सबसे अच्छा बना देता है जैसे ब्राइट यानी चमकीला बी आर आई जी एस टी ब्राइट चमकीला ई एस टी जुड़ गया बन गया सबसे अधिक चमकीला सबसे ज्यादा चमकीला एफ एस टी फास्ट फास्ट मीन तेज ई एस टी जुड़ गया बन गया फास्टेस्ट सबसे तेज स्वीट मीठा ई एस टी जुड़ गया बन गया स्वीटेस्ट सबसे ज्यादा मीठा नाइस नाइस ई एस टी जुड़ गया बन गया सबसे अच्छा द नाइसेस्ट बॉय द नाइसेस्ट गर्ल द नाइसेस्ट पेन द नाइसेस्ट बैग द स्वीटेस्ट स्माइल द स्वीटेस्ट गर्ल द स्वीटेस्ट बॉय द फास्टेस्ट ट्रेन सबसे तेज ट्रेन द फास्टेस्ट बाइक द फास्टेस्ट साइकिल द फास्टेस्ट पर्सन सबसे तेज पर्सन फास्टेस्ट पर्सन तो है ना मजेदार ई जोड़ो और सबसे द बेस्ट बनाओ ई जोड़ो द बेस्ट बनाओ सो फास्ट फास्टेस्ट स्वीट स्वीटेस्ट नाइस नाइसेस्ट ब्राइट ब्राइटेस्ट किसी भी वर्ड में ई जुड़ गया तो बन गया द बेस्ट सबसे अच्छा सो लेट्स कम बैक टू द पोयम हाउ डज ग्रैंड मा स्माइल ग्रैंड माज स्माइल इज द स्वीटेस्ट स्माइल How does grandma look? Grandma's look is the sweetest look. How does grandma's clothes smell? Grandma's clothes are the sweetest smelling clothes. बहुत मीठा महकता है. Nicest smelling clothes. सबसे अच्छे महकने वाले कपड़े. What happens next? Let's see the next stanza. Hmm. You can see the picture. And now you can observe कितने आराम से दादी माँ सो रही हैं. खर सेज वैन ग्रैंड मा रेस्ट रेस्ट मीन्स आराम करना आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट मुझे आराम करना है सो वेन ग्रैंड माँ रेस्ट्स जब वो आराम करती हैं आई एम स्टिल मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ उनको परेशान नहीं करता आई डू नॉट मेक नॉइज़ मैं शोर नहीं करता नॉइज़ मीन्स शोर मैं शोर नहीं करता परेशान नहीं करता वन ग्रैंड मा रेस्ट I am still, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, स्थिर रहता हूँ, until she wakes up and then, until she wakes up, जब तक वो जगती हैं, and then उसके बाद तो, देखो ये बच्ची क्या कर रही है, दौड़ के जाके अपनी ग्रैंडमाँ के गले लग गई, है ना? बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करते हैं, when grandma rests, I am still, until she wakes up, and then. आई रन एंड हग माई ग्रैंड मार्टियर देन शी हग्स मी बैक अगेन जब वो उठती हैं देन वॉट डू आई डू मैं क्या करता हूँ आई रन एंड हग अब बिल्कुल आई रन मैं दौड़ता हूँ एंड हग एकदम नहीं बिल्कुल हंसना नहीं है मैं समझ रही हूँ कौन सा वर्ड तुम्हारे दिमाग में आ रहा है नो दिस इज इंग्लिश एंड इन दिस इंग्लिश क्लास द वेरी वर्ड एच यू जी हग हग मीन्स गले मिलना तो हम कह सकते हैं आई हग माई फ्रेंड मैं दोस्त से गले मिलता हूँ आई हग माई टीचर मैं टीचर से गले मिलता हूँ या मिलती हूँ आई हग माई मदर मैं मदर से माँ से गले मिलता हूँ आई हग माई फादर मैं फादर से गले मिलता हूँ आई रन एंड हग माई ग्रैंड मार डियर आई रन मैं दौड़ता हूँ और गले मिलता हूँ अपनी दादी माँ से प्यारी दादी माँ से आई रन एंड हग माई ग्रैंड मार डियर देन शी हग्स मी बैक अगेन और जैसे मैं उनसे गले मिलता हूँ वो फिर से दोबारा मुझसे गले मिलती हैं देन शी हग्स मी बैक अगेन वॉट डज शेखर से आई ऑल्सो हग माई ग्रैंड मदर लाइक दिस मैं भी अपनी दादी माँ से ऐसे ही गले मिलता हूँ एक बार फिर से पढ़ें सामने देखो स्लाइड पे पोएम है एक बार फिर से पढ़ते हैं वेन ग्रैंड मारे मार डियर देन शी हग्स मी बैक अगेन आई रन एंड हग माई ग्रैंड मार डियर देन शी हग्स मी बैक अगेन यस दिस वॉज द ब्यूटिफुल पोयम अबाउट होम अबाउट आवर ग्रैंड मा ग्रैंड मदर सो येस लेट सी दम्प्लीट पोएम पूरी पोयम एक साथ देखते हैं है, है ना देखो तो देर इज अगेन अ पिक्चर देर इज अ गर्ल एंड शी इज सिटिंग विद हर ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, दादी भी हो सकती हैं नानी भी हो सकती हैं दादा भी हो सकते हैं और नाना भी हो सकते हैं सो वॉट डज शी से ग्रैंड माज शाइनिंग ब्लू Shining blue, shining blue. Grandma's eyes are shining blue. Through the glasses on her nose, on her nose, on her nose, through the glasses on her nose, Grandma has the sweetest smile. Grandma has the sweetest smile, sweetest smile, sweetest smile, and the nicest smelling clothes. And the nicest smelling clothes. Smelling clothes, smelling clothes. And the nicest smelling clothes. When grandma rests, I am still. Until she wakes up, and then. When grandma rests, I am still. Until she wakes up, and then. I run and hug my grandma dear. Then she hugs me back again. आई रन एंड हग माई ग्रैंड मा डियर देन शी हग्स मी बैक अगेन बिल्कुल दादी माँ की चमकती नीली आँखें नाक पर चढ़ा चश्मा स्वीटेस्ट स्माइल मीठी सी मुस्कान सबसे मीठी मुस्कान नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ सबसे अच्छी खुशबू वाले कपड़े चमकती नीली आँखें शाइनिंग ब्लू आइज ग्लास ऑन हर नोज स्वीटेस्ट स्माइल नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोज वेन ग्रैंड मार रेस्ट जब वो आराम करती हैं आई एम स्टिल मैं शांत रहता हूँ अनटिल शी वेक्सअप जब तक कि वो उठती हैं अनटिल शी वेक्सअप और वो जैसे ही उठती हैं आई रन एंड हग माई ग्रैंड मार डियर आई रन एंड हग मैं दौड़ता हूँ और गले लगाता हूँ माई ग्रैंड मा डियर अपनी प्यारी ग्रैंड माँ को देन शी हग्स मी बैक अगेन और फिर वो दोबारा मुझे गले लगाती हैं सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल पोयम बहुत प्यारी पोयम है एंड आई एंजॉयड इट तो ये तो हमने ग्रैंड माँ के ऊपर लिख दी अब तो दादाजी गुस्से हो जाएंगे कि वाई एम आई नॉट डियर क्या मैं प्यारा नहीं हूँ वाई नॉट पोएम ऑन मी सो चलो एक एक्सरसाइज करते हैं एंड वी कैन राइट ऑल्सो अ पोएम ऑन आवर ग्रैंड पा चलो दादाजी को भी नाराज़ नहीं करते हैं एंड लेट अस राइट अ पोएम ऑन ग्रैंड पा देखो तो कितने आसानी से लिख सकते हैं शेखर भी देखो परेशान है और वो क्या बोलता है लेट्स हैव सम फन मीन्स मज़ा रन एंड फन दौड़ो और मज़ा करो सो फिल इन द फर्स्ट ब्लैंक अब हर ब्लैंक में सिर्फ हम ग्रैंड जोड़ देते हैं अभी तक हम क्या पोयम थी हमारी ग्रैंड मार आइज आर शाइनिंग ब्लू अब हम इसमें जोड़ देते हैं ग्रैंड पाज आइज आर शाइनिंग ब्लू ग्रैंड फादर्स आईज आर शाइनिंग ब्लू थ्रू द ग्लासेज ऑन अब हर तो नहीं होगा इट विल बी लाइक थ्रू द ग्लाज ऑन हिज नोज ही हैज द स्वीटेस्ट स्माइल

So grandpa's eyes are shining blue, shining blue. Grandpa's eyes are shining blue. Through the glasses on, क्या होगा his या her? बिल्कुल his होगा क्योंकि grandpa क्या है boy के लिए his use करते हैं girls के लिए her use करते हैं So through the glasses on his nose. On his nose, on his nose, grandpa's eyes are shining blue. मजा आया बस ही हैज़ द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स ही हैज़ द नाइसेस्ट स्माइल ही हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल ही हैज़ द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स एंड आई एम स्टिल व्हेन ही रेस्ट्स और मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ व्हेन ही रेस्ट जब वो आराम करते हैं और जब वो उठते हैं तेन व्हाट डू आई डू तब मैं क्या करता हूँ एंड आई रन एंड हग माई ग्रैंड पार्टियर आई रन एंड हग माई ग्रैंड पा अपने दादाजी को प्यार से गले लगाता हूँ देन ही हग्स मी बैक अगेन ही और शी यस ही क्योंकि ग्रैंड पा इज़ अ बॉय और अ मैन सो मैन और बॉय आदमी लड़कों के साथ हम क्या लगाते हैं ही और लड़कियों के साथ क्या लगाते हैं शी देन ही हग्स मी बैक अगेन सो ग्रैंड पा ऑल्सो हग्स मी बैक अगेन मज़ेदार है, so, है ना वॉज इट डैट डिफ़िकल्ट इतना मुश्किल था कितनी मज़ेदार चीज़ें सीखीं वी लव आर ग्रैंड पा वी कैन राइट अबाउट आर ग्रैंड पा सब कोई अपने ग्रैंड पापा के बारे में लिखो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट यूर ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ के बारे में लिखो व्हाट इज़ दी कलर ऑफ हर आइज़ व्हाट इज़ दी कलर ऑफ हर हेयर मेरी दादी माँ तो बालों में मेहंदी लगाती हैं सो आई विल से ग्रैंड माज हेयर इज़ शाइनिंग ब्राउन शाइनिंग ब्राउन ग्रैंड मा हेयर इज शाइनिंग ब्राउन हो सकता है किसी के दादी के बाल सफ़ेद हूँ तो तुम क्या बोल सकते हो ग्रैंड माज हेयर इज़ शाइनिंग वाइट और शाइनिंग ब्लैक सो वी कैन राइट अबाउट द कलर ऑफ ग्रैंड माज आइज ग्रैंड माज हेयर ग्रैंड माज क्लोथ्स उनके कपड़ों के रंग के बारे में एंड वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट ग्रैंड पा ग्रैंड पा के बारे में और दो मजेदार जादू हमेशा याद रखना एस वेन एवर वी एड एस जब भी एस जोड़ेंगे एक से ज्यादा हो जाएगा वन कप मोर देन वन कप कप कप्स पेन पेन्स पेंसिल पेंसिल्स बैग बैग्स याद आया यस दिस इज द मैजिक ऑफ एस हमेशा ज्यादा बना देता है और वॉट इज द अनदर मैजिक अनदर मैजिक इज पॉस्ट्रोफियस अनदर मैजिक इज अ पासियस अ लिटल कॉमा लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा कॉमा जैसा एट द टॉप ऑफ द एस एस के ऊपर अगर हम डालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे ए पॉस्ट्रफिस्ट्रोफियस ये जब भी जुड़ेगा क्या बना देगा उस चीज को उसका बना देगा फॉर एग्जाम्पल टीचर्स मोबाइल अप्रोफियस टीचर का मोबाइल टीचर्स साड़ी टीचर की साड़ी टीचर्स बैंगल टीचर की चूड़ी दिस वॉज द अनदर मैजिक एपॉस्ट्रफी और तीसरा मैजिक क्या था लेटस एड ई एस टी किसी चीज को द बेस्ट बनाना है तो क्या बना देंगे ई एस टी ई एस टी जोड़ देंगे फॉर एग्जाम्पल यू आर द बेस्ट तुम कैसे हो द बेस्ट बिल्कुल सबसे अच्छे है ना यू हैव द नाइसेस्ट स्माइल तुम्हारी स्माइल तुम्हारी मुस्कुराहट कैसी है नाइसेस्ट सबसे अच्छी यू हैव द नाइसेस्ट लाफ हंसते कैसे हो सबसे अच्छी हंसी नाइसेस्ट लाफ यू हैव द ब्राइटेस्ट आइज तुम्हारी आँखें कैसी हैं ब्राइटेस्ट सबसे अधिक चमकीली द नाइसेस्ट आइज द नाइसेस्ट नोज द नाइसेस्ट स्माइल एंड यू आर द बेस्ट तो ये तीसरा मैजिक है जब भी ई जुड़ेगा हम क्या बन जाएंगे द बेस्ट द बेस्ट शॉप द बेस्ट चाइल्ड द बेस्ट लेसन सो दिस इज वॉट वी कॉल इंग्लिश फन है ना मजेदार है ना सो दिस इज वॉट वी कॉल इंग्लिश एज फन सो रन एंड फन और फटाफट गेम खेलो लव 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 हु डू यू लव लेटस्ट रिमेंबर लव 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 हु डू यू लव मुझसे पूछोगे क्या मैं बोलूँगी लव 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 आई लव माई ग्रैंड माँ अब तुम्हारी बारी तुम खेल कर देखो सबको कोई बताओ कि हु डू यू लव किस को प्यार करते हो आज के लिए और अभी के लिए दिस इज ऑल जस्ट कीप इन्जॉइंग इंग्लिश क्लासेस थैंक यू